नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी की। हाइपर एसिडिटी जिससे हम सब परेशान रहते हैं और हम में से बहुत लोग जो है वह रोज एक कैप्सूल की तलाश में रहते हैं कि कैप्सूल खा के दिन भर हाइपर एसिडिटी खत्म कर लें। हम आपको बताते हैं ऐसा अचूक नुस्खा जो एक रुपए से कम लागत में आपके घर पे मौजूद है और आपको यह हाइपर एसिडिटी से रिलीफ दे देगा। और हम आपको ये भी बताते हैं कि क्यों ये देगा। साथियों, अगर आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, सीने में जलन हो रही है, मुंह में खाना आ रहा है, तो आप बहुत छोटा सा काम कर सकते हैं। वह काम जो आपको एक टेंशन खत्म कर देगा कि साहब हम क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे तो वो चीज़ें ना खाएं जिससे आपके कोई तकलीफ पड़ रही हो, लेकिन कभी खाना भी पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। तो हम आपको बताते हैं ऐसा बहुत अचूक घरेलू उपाय जिससे आप लाभ ले सकते हैं। आपको साथियों कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा। आपके किचन में अजवाइन यानी कैरम सीड्स, अजवाइन आपके घर में मौजूद होगी। आप अजवाइन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक यानी रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक वह उसमें डाल लीजिए। एक छोटा चम्मच अजवाइन लीजिए, उसमें एक चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वह आप काला नमक डाल लीजिए। उस पानी को आप मिला लीजिए और उस पानी को आप सुबह खाली पेट या जब आपको एसिडिटी बने आप पी लीजिए। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से आपकी हाइपर एसिडिटी 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। अब एक सवाल ये ज़रूर आता है यहाँ पर कि हाइपर एसिडिटी क्यों ख़त्म होगी। हाइपर एसिडिटी इसलिए ख़त्म होगी साथियों क्योंकि अजवाइन एक ऐसा हर्ब है जिसको हमारे संस्कृत में अग्निवर्धना कहा जाता है। अग्निवर्धना इज स्टिमुलेशन ऑफ फायर। स्टिमुलेशन ऑफ फायर का मतलब ये है कि हमारे स्टमक के ये पीएच को रेगुलेट करता है। पीएच जब रेगुलेट होगा तो गैस्ट्रिक जूसेस का लेवल रेगुलेट होगा और जब गैस्ट्रिक जूसेस का फ्लो सही हो जाएगा तो आपको हाइपर एसिडिटी काहेगी होगी ही नहीं। अजवाइन में साथियों थाइमोल पाया जाता है। थाइमोल आपके गैस्ट्रिक जो डाइजेशन होता है उसको बहुत अच्छा करता है और यहाँ आपके जो अंदर स्टमक का वियर टियर है इसको रिपेयर भी करता है। उसके अलावा अजवाइन में अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, यह सब तमाम कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपके हाइपर एसिडिटी को ख़त्म करते हैं, आपके जूसेस को पीएच को रेगुलेट करके आपके गैस्ट्रिक जूसेस को ठीक करते हैं। इसका साथियों दूसरा कंपोनेंट जो होता है हमने बताया काला नमक। काला नमक सेंधा नमक की एक बड़ी खास बात होती है साथियों, इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में होता है और आइसोमेट्रिक फॉर्म ऑफ सॉल्ट इस केमिकल जो बैलेंस्ड होता है उसकी एक कैफियत होती है वो बैलेंस्ड होता है। जब वो पूरा फार्मूला बैलेंस्ड होगा तो वो उसी तरह का काम आपके स्टमक में जाके भी करता है। उसके अलावा जो 8 कंपाउंड आपको डाइजेशन के लिए पीएच रेगुलेशन के लिए चाहिए होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन कैल्शियम, यह सारे कंपाउंड जो है वह काले नमक सेंधे नमक में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं तो यह आपके डाइजेशन को एड करता है। तो अगर आपके हाइपर एसिडिटी है, आपके सीने में जलन होती है कुछ भी खाने के बाद, तो अजवाइन और काले नमक आप लें या तो उसका पानी पी लें या आप इसको चाट लें खाने के बाद। आप देखेंगे कि अद्भुत फायदा आपको होगा हाइपर एसिडिटी में और आपको ये रोज 8 रुपए का जो आप कैप्सूल खरीदते हैं यह आपको नहीं खाना पड़ेगा। इसके बैड इफेक्ट्स को कभी आप गूगल कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों सबसे अच्छा तरीका हाइपर एसिडिटी से एक और बचने का है कि रात का खाना जल्दी खाएं और हल्का खाएं और खाने के आधा पौन घंटे बाद पानी पिएं। लेकिन आज का जो विषय था वो था अजवाइन और यानी कैरम सीड्स और काला नमक यानी सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट। आप इसका इस्तेमाल करके अपनी हाइपर एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं। इसका साथियों एक डिटेल्ड वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड करा है हाइपर एसिडिटी की होम्योपैथिक दवाएं, उसका लिंक नोटिफिकेशन पैनल में है। आप चाहें तो पूरा वीडियो वहां भी देख सकते हैं तो आपकी राय एक जगह जो है वो स्थापित हो जाएगी, एक जगह वो कॉन्स्ट्रिक्ट होके फोकस हो जाएगी। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पर अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको आपकी बात का जवाब दे पाएँ। वीडियो साथियों आपसे निवेदन है कि अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा ही होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।